मेरी ओला बन करके आ चुकी है, उसकी वीडियो ऑलरेडी मैंने बना दिया था। और आज जब मेरी गाड़ी आई थी तो इसमें ऑलरेडी उन लोगों ने मूव ओएस अपडेट करके दिया था। तो मूव ओएस अपडेट करने के बाद क्या क्या फीचर इसके अंदर मिले हैं वो मैं सारा आपको दिखाऊंगा और एक्चुअली पूरा टेस्ट करके दिखाऊंगा। तो कैमरा लेके इधर हम दिखाते हैं पूरा। सबसे पहला जो फीचर इसका है वो म्यूजिक का फीचर है, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। ऑलरेडी मैंने म्यूजिक कनेक्ट किया और भाई साहब इसका जो साउंड है ना वो इतना लाउड है कि आप नॉर्मल पार्टी तो घर में ऐसे कर ही सकते हैं, और कमरा बंद हो तो इतना तेज बजेगा कि पार्टी हो जाएगी। ये साउंड सुन सकते हैं, मैं सुनाता हूँ आपको साउंड। तो पहला फीचर था इसका साउंड, और देख सकते हैं साउंड की क्वालिटी काफी अच्छी खासी है और काफी लाउड बजता है। तो अगर नॉर्मल पार्टी है घर में, बर्थडे वर्डे, तो इसी से सेलिब्रेट कर सकते हैं, इसी पर रखकर केक काटा जाएगा और इससे होगी पार्टी, तो ये आप कर सकते हैं आराम से इससे। अब जो दूसरा फीचर है वो मैं आपको दिखाऊं। इसके अंदर दूसरा जो फीचर है वो भी काफी कमाल का है। स्कूटर 30 सेकेंड बाद अपने आप लॉक हो जाता है, तो ये देखिए लॉक हो चुका है। अब इसको थोड़ा मुझे अनलॉक करना है, तो जो दूसरा फीचर है वो भी काफी कमाल का फीचर है। और वो जो फीचर है वो है नेविगेशन का फीचर। देखिए नेविगेशन मैंने टाइप किया, यहाँ पे मैं कुछ भी डाल के सर्च करूँ, जैसे मान लीजिए मेरे गाजीपुर तिराहा में सर्च करता हूँ यहाँ से, ये देखिए पूरा गाजीपुर तिराहा का लोकेशन यहाँ से खुल जाएगा और यहाँ से मैं अपनी यात्रा को प्रारंभ कर सकता हूँ। तो ये चीज़ पूरा यहाँ से कर सकते हैं। एक बार मैं बैक करता हूँ, अभी हम लोग के यहाँ थोड़ी स्पीड स्लो है इसकी। जैसे मान लीजिए कि मैं यहाँ से घोसी सर्च करता हूँ, ये देखिए अभी क्या है ना कि यहाँ पर देखेंगे स्पीड इसकी स्लो है, मतलब कि जो जियो का इसमें सिम लगा हुआ है उसके हिसाब से काफ़ी स्लो काम कर रहा है। तो इधर तुरंत सर्च करना चाहिए, मैं कल रास्ते में था दूर तो वहाँ पे सर्च कर लिया था बहुत जल्दी। देखिए यहाँ पे अभी सर्च किया तो कुछ टाइम करता है, मतलब डिले करता है, वो चीज़ है। अब देखिए यहाँ पर ये अभी यहाँ स्टार्ट का यहाँ सिंबल आएगा, थोड़ा सा डिले करेगा। वजह क्या है कि इसके अंदर जो सिम है वो थोड़ी सी स्लो है, हो सकता है स्पीड आगे चल के सही हो जाए। अभी नया नया अपडेट आया तो ऐसा होगा। अभी देखिए कितना टाइम लग रहा है, अनकट वीडियो है तो आप देख लीजिए एक बार। जैसे घोषित हो गया, यहाँ पे स्टार्ट का अभी सिंबल नहीं दिया, स्टार्ट करेंगे तो जा करके वो स्टार्ट होगा, तो वो अभी सिंबल यहाँ पे नहीं है। बाकी सब कुछ तो दिखा रहा है यहाँ पे। अब देखिए ये लगभग डिले हमको लग रहा है कि 1 मिनट के आसपास का ये डिले कर देगा, तो ये चीज़ है लोकेशन में, इसे फास्ट करना चाहिए। अब कंपनी को इस पर काम करना चाहिए थोड़ा सा, स्पीड अभी इसकी फिलहाल में स्लो है। अब देख रहे हैं आप यहाँ पे स्टार्ट का ऑप्शन ही नहीं आ रहा है, तो अगर आदमी कोई यात्रा करना चाहता है और जल्दी में हो तो उसके लिए एक दिक्कत हो सकती है कि इस तरीके से यहाँ पे ये घूमते रहेंगे, तो प्रॉब्लम की बात है। ये फास्ट होना चाहिए। और जियो का नेटवर्क हम लोग यहाँ बहुत तेज़ है, क्योंकि जियो की बताते हैं सिम लगी है, तो उसके हिसाब से तो स्लो स्पीड है इसकी, क्योंकि यहाँ पे तेज काम नहीं कर रहा है। तो ये है जो कि नेविगेशन वाला फीचर, कल हम लोग रास्ते पे थे तो यूज करते, काफ़ी तेज काम कर रहा था। अभी मैं अपने रूम के पास हूँ तो यहाँ पे स्लो काम कर रहा है, लेकिन जब हम रास्ते पे थे तो वहाँ पे काफ़ी तगड़ा काम कर रहा था। तो इसके लिए अब कहीं कहीं अच्छा काम करेगा, कहीं कहीं स्लो काम करेगा, डिपेंडिंग नेटवर्क के ऊपर डिपेंड करता है कैसा नेटवर्क है। तो ये अभी फिलहाल में तो देखिए अभी तक आया नहीं तो हम क्या दिखाएं, लेकिन चलेंगे रास्ते में यूज चलाते हुए तो वो भी हम आपको दिखा देंगे। तो ये हमारा दूसरा फीचर था म्यूजिक, पहला फीचर, ये इसका दूसरा फीचर। इसके बाद से और भी सारे फीचर हैं, देखिए ये आ नहीं रहा है, कहीं कोई भी हम डाल रहे हैं तो आ नहीं रहा है यहाँ पे। इसके बाद तीसरा फीचर इसके अंदर क्रूज का मिल जाता है, तो ये बटन होती है क्रूज की, आपको स्पीड जो रखनी है 30 से ऊपर रखनी होती है। स्पीड 30 के ऊपर रखे जब इसको दबा देंगे तो आपको इस पर एक्सलेट नहीं करना पड़ेगा, छोड़ दीजिए गाड़ी आपकी चलती रहेगी। तो ये तीसरा फीचर है और वो भी काफ़ी कमाल का इसका फीचर है। तो ये चीज़ है और काफ़ी अच्छा खासा काम करता है। के बाद एक और फीचर है इसके अंदर, चौथा फीचर, जो कि आपको पता होगा इको मोड, मैं आपको दिखाता हूँ। ये गाड़ी देखिए अब 4 मोड अवेलेबल हो चुके हैं, इको मोड, नॉर्मल, स्पोर्ट और हाइपर। पहले क्या था, नॉर्मल, स्पोर्ट और हाइपर था, इको मोड भी इसमें अब आ चुका है, कंपनी दे चुकी है। कैसे एक्टिव करेंगे मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये जो आपका बटन दिख रहा है ना, इसको आपको 6 सेकेंड ऐसे प्रेस करके रखना है, बट यहाँ पे अभी राइड मोड में नहीं हूँ तो नहीं हो रहा है, तो इसको राइड मोड में गाड़ी को लेकर जाना पड़ेगा। मैं आपको दिखाता हूँ, पहले यहाँ से इधर करेंगे और इसके बाद से अभी पार्क मेरा है स्टॉप। ये देखिए एक हैंडल इसका अनलॉक है, मूव ओएस के बाद एक पता नहीं कौन सा फीचर डाल दिया लोग, समझ में मुझे नहीं आ रहा। हैंडल लॉक है, अनलॉक है इसका, फिर भी यहाँ पे अनलॉक हैंडल का ऑप्शन दे रहा है। मैंने टैप कर दिया, अब यहाँ पे अभी अनलॉक ही लिख रहा है। इसको यहाँ से कट कर देंगे हम, क्योंकि मेरा हैंडल ऑलरेडी अनलॉक है। अभी देखिए फिर से पासवर्ड मांग दिया, तो कुछ बग आया हुआ है इसके साथ में। अब मुझे लग रहा है ये सही नहीं है, अभी देखिए कब तक शॉर्ट आउट होता है। अब देखिए यहाँ पे जब मैं राइट मोड में जा रहा हूँ तो पासवर्ड मांग रहा है, अब कुछ समझ नहीं आ रहा क्यों पासवर्ड मांग रहा है, जबकि मांगना ही चाहिए इसको। ये राइड मोड पासवर्ड, गजब है। तो ये अभी मुझे बग देखने को मिल रहा है यहाँ पे, जैसे ही मैं इसको ऑपरेट कर रहा हूँ, ये चीज़ नहीं होना चाहिए। पार्किंग में है अभी फिलहाल में, और ये देखिए जैसे मैं ब्रेक पैड कर रहा हूँ यहाँ पे,
या फिर से पासवर्ड आ जा रहा है। तो पासवर्ड आने का मतलब क्या है बार बार मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। एक बार इसको बंद करते हैं फिर खोलते हैं। तो अपडेट के साथ साथ एक बग भी आ चुका है, एक नहीं दो, एक तो स्पीड स्लो है और एक ये देखिए ये सही से काम नहीं कर रहा है। तो अब देखते हैं दोबारा क्या करता है। हैंडल मेरा भाई साहब पहले से अनलॉक है, फिर अनलॉक शो करने का मतलब ही क्या यहाँ बनता है। मैंने इसको क्लोज किया, पार्किंग पार्किंग यहाँ से हट गया। अब ये इसको दबा के इसको दबाएंगे, अब देख रहे हैं बार बार पासवर्ड आ रहा है, मतलब गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है। एक बार इस ब्रेक के साथ करते हैं, ऐसे तो गड़बड़ हो जाएगा। एक बार इसको हमने दबाया, यहाँ देखिए, और फिर मैं यहाँ से करता हूँ स्टार्ट पासवर्ड। अब ये क्यों पासवर्ड मांग रहा है पता नहीं। अब इसे मुझे एक बार रिस्टार्ट करना है, तो रिस्टार्ट करके चेक करते हैं क्या बताता है। बंद कर दीजिए। तो मैंने स्कूटर को रिस्टार्ट कर दिया। रिस्टार्ट करने के बाद अब चेक करते हैं क्या ऐसा ये प्रॉब्लम सॉल्व होती है कि नहीं होती है। तो हाँ सॉल्व हो चुकी है, इसीलिए कंपनी भाई साहब कहते हैं कि हर 2 से 3 दिन पे इसको एक बार रिस्टार्ट करते रहिए। मतलब वो पहले उसको पता है कि रिस्टार्ट करना ज़रूरी है, मतलब ये प्रॉब्लम सही है। तो फर्स्ट टाइम जब मेरी गाड़ी आई थी तो उस टाइम पे मैं रिस्टार्ट इसको नहीं करता, कभी रिस्टार्ट करता ही नहीं था। आज मैंने रिस्टार्ट किया तो ये प्रॉब्लम मेरी सॉल्व हो गई। तो कुल मिला जुला करके हफ्ते में आपको 2 बार रिस्टार्ट करना, क्योंकि कंपनी से बड़ा जोर देके बोलते हैं, जब भी फ़ोन करो आप कस्टमर का तो बताते रहते हैं कि हफ्ते में 2 बार गाड़ी को रिस्टार्ट करते रहिए। अब देखिए फिलहाल मैं अभी राइड मोड में है, एक बार मैं पार्किंग में फिर से करता हूँ, देखूँ फिर से क्या। पार्किंग में कर दिया मैंने, स्टैंड लगाया, पार्किंग मैंने खोला, इस ब्रेक को दबा के सुधारता हूँ। ओके तो स्टार्ट हो जा रहा है, देखिए गाड़ी अभी फिलहाल में चलने के लिए तैयार है। ये तो अभी फिलहाल में काम कर रहा है अच्छा खासा। अब जो मैं बता रहा था मोड आपको, कौन सा मोड बाकी था, तो इसके अंदर जो चौथा फीचर था मैं बता रहा था आपको इको मोड। तो इको मोड में सेट करने का तरीका इसे थोड़ा सा बदल चुका है। तो यहाँ पे इसको प्रेस करना है 6 सेकंड के लिए। ये देखिए गाड़ी इको मोड में जा चुकी है, 165 किलोमीटर चलेगी अब। तो इको मोड में इसकी सबसे टॉप रेंज जाती है 170 किलोमीटर जाएगी, लेकिन बैटरी अभी फिलहाल में 3% उतर चुकी है, 165 किलोमीटर जाएगी इको मोड में। अब बाकी मोड चेंज करने बस एक बार टैप करना है, ये नॉर्मल हो गया, एक बार टैप करने पे स्पोर्ट हो गया, और एक बार टैप करने पे ये हाइपर हो गया। तो ये तो हो जाते हैं, फिर अगर आप टैप करें फिर नॉर्मल होगा। इको मोड सेट करने के लिए आपको इसको दबाना पड़ेगा, ये देखिए 6 सेकंड दबाने के बाद आपका इको मोड इसमें सेट हो जाता है। बाकी एक बार हम क्रूज आपको फटाफट से चेक करा देते हैं। क्रूज चेक करने के लिए करना क्या, आपको इको मोड में क्रूज नहीं एक्टिव होता है, इसके लिए नॉर्मल मोड में रखना पड़ेगा। एक बार इको मोड में टेस्ट करेंगे कि क्या होता है कि नहीं होता, और नॉर्मल मोड में टेस्ट करके देखेंगे। तो दोनों मोड में टेस्ट करके देख लेते हैं क्या होता है क्या नहीं होता। और यहाँ से आपका ये म्यूजिक वाला पेयरिंग आप कर सकते हैं, फिलहाल में मैंने डिसकनेक्ट किया हुआ है, तो ये चीज है बंद कर। निकला जाए बैठो। तो फिलहाल मैं चला रहे हैं इसको, क्रूज वाला मुझे टेस्ट करना है, तो क्रूज टेस्ट करके आपको दिखा देते हैं कैसा क्रूज के काम करता है कैसा नहीं। अरे भैया घुसा दिए, चैनल मेरा है बात पूछ देंगे बता देंगे लोग। अच्छा चलिए, तो इको मोड में हम गाड़ी को चला रहे हैं, और एक बार हम इको मोड में 30 पे करके चेक करेंगे। देखिए अभी दबाऊंगा तो ये क्रूज नहीं एक्टिव हो रहा, बस एक आवाज़ आती है क्रूज से करके, बस एक्टिव नहीं होता है। तो एक बार मैं क्रूज इस पे करता हूँ 30 पे, देखता हूँ होता है कि नहीं होता है। तो 16 पे अभी चल रही गाड़ी, और थोड़ा रास्ते पर चलते हैं फिर एक बार चेक करेंगे। तो ये मैंने अभी दबाया, देखिए अभी दबा रहा हूँ, यहाँ छोड़ दूंगा, ये दबाया, ये क्रूज नहीं एक्टिवेट हुआ, क्योंकि देखिए इसकी स्पीड घटती जा रही है, तो क्रूज यहाँ पर एक्टिवेट नहीं हुआ है। अब हम 30 पे करेंगे इको मोड पे, फिर चेक करेंगे क्रूज एक्टिवेट होता है कि नहीं होता है। तो एक बार 30 स्पीड पे लेके जाते हैं, लग जाने बाद चेक करते हैं क्या इस पे क्रूज एक्टिवेट होता है कि नहीं होता है। अरे देख लिया, इस नहीं जा पाएगा इस पे, उसे भी चलेंगे चलाएंगे। अब चालू करो। चलिए तो अब फिलहाल में 30 पे करते हैं, रोड पे आ चुके हैं, और करके चेक करते हैं क्या ये एक्टिवेट होता है। 30 पे मैंने कर दिया, अब मैंने दबाया तो ये देख सकते हैं नहीं हो रहा है, मतलब इको मोड में एक्टिव नहीं हो सकता है क्रूज कंट्रोल। तो आपको करना क्या पड़ेगा, नॉर्मल मोड में रखना पड़ेगा, तब जाके एक्टिवेट होगा। तो नॉर्मल मोड में करता हूँ, मैं नॉर्मल मोड में कर दिया, और मैंने गाड़ी को ये देखिए 30 पे मैंने लिया, अब मैं दबा चुका हूँ, ये देखिए क्रूज एक्टिवेट हो चुका है, गाड़ी अब चल रही है। ये देखिए ऑटोमेटिक 37 की स्पीड जो है बिल्कुल सेट हो चुकी है, और लगातार चल रही है ऐसे ही। तो ये अब गाड़ी चल रही है, देखिए यहाँ मैंने हैंडल को छुआ नहीं है, फिलहाल में गाड़ी बिल्कुल चले जा रही है। ये चीज़ है, अब आगे ट्रैफिक है तो इसलिए मुझे इसको पकड़ना पड़ेगा, जैसे मैं ब्रेक दबाऊंगा क्रूज ख़त्म हो जाता है। तो ये देखिए अभी क्रूज ख़त्म हो चुका है, तो मतलब ये साफ है कि इको मोड में क्रूज आप एक्टिवेट नहीं कर सकते हैं, नॉर्मल मोड में ही क्रूज एक्टिवेट होगा। तो ये चीज़ है बंद।
रोड का ले लो, तो देख सकते हैं गाड़ी है। फिलहाल में हम चला रहे हैं 44 पे और क्रूज करता हूँ मैं, ये मैंने क्रूज कर दिया है। अब देखिए गाड़ी इसी पे चलते जाएगी, तो ये है क्रूज का कमाल और काफी अच्छी बात है। 47 पे गाड़ी चल रही है और लगातार चले जा रही है, तो कभी लॉन्ग रूट पे जाएंगे तो आपके लिए काफी बेनिफिट वाली बात होगी। क्रूज एक्टिवेट करते चलते जाएंगे तो गाड़ी को आपको टच नहीं करना पड़ेगा, इसको तो बिल्कुल ही टच नहीं करना पड़ेगा, अब गाड़ी आपकी चलती रहेगी और हम लोग ऐसे रोड पे पार्टियां करते रहेंगे आराम से। तो ये चीज एक अच्छी बात है यहाँ पे, और देख सकते हैं गाड़ी चल रही है, मैं दोनों छोड़ा हुआ है, ये पकड़ा हुआ हूँ, एक अच्छी बात है। बट आगे गाड़ियां हैं तो इसलिए मुझे ब्रेक देना पड़ेगा, और जैसे मैंने ब्रेक दिया ये क्रूज हमारा डिस्कनेक्ट हो जाता है। तो ये एक अच्छा फीचर है, ये काफी अच्छी बात लगती है और कंपनी ने अच्छा काम किया है। आप गाड़ी को रिस्टार्ट करें तो प्रॉब्लम मैंने बताया था, उसका सलूशन बस वही है, गाड़ी को हफ्ते में 2 बार रिस्टार्ट जरूर करिए, यानी कि रिबूट जो करना होता है ना वो आपको करना है। होता कैसे है, एक बार इसको दबाना है और इसको दबाना है, नहीं पावर वाली बटन और ये वाली बटन, रिवर्स पावर और रिवर्स जो है इन दोनों को दबा के आप एक्टिवेट कर सकते हैं। तो ये चीज़ कर लीजिएगा, आपके लिए बेनिफिट रहेगा। तो बस आज की वीडियो मैंने पूरा आपको बता दिया इसका क्रूज का फीचर और बाकी सारा कुछ फीचर, और हम आ चुके हैं अपने इंस्टीट्यूट पे। तो ये हमारा इंस्टीट्यूट है और यहाँ पे देखें गाड़ियों की पूरी लाइन लगी हुई है, तो बस चलते हैं अब।